फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमा गणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पर अंसल सुशांत सिटी सेकंड के अंदर हूं, जो कि 90B अप्रूव्ड है। आज आप देख सकते हो मेरे पीछे ये 100 वर्ग गज के मकान है, जो कि आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। साथ ही आप देख सकते हैं, रोड देख रहे हैं आप, ये है 40 फीट रोड है, आप देख सकते हैं। और इसी पे 100 वर्ग गज के 15x60 के ये मकान है, जो कि आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं हम अपने मकान की तरफ। आप देख सकते हैं ये मकान की जो कुर्सी है वो काफी हाइट से ली हुई है। आप रोड को एक बार, रोड को दिखाओ, रोड से आप देख सकते हैं कितनी हाइट के ऊपर लिया हुआ है ये मकान। और ये आप देख सकते हैं रैंप है, रैंप के साथ से ये पार्किंग, बहुत ही शानदार पार्किंग है, काफी अच्छी पार्किंग है। यहाँ पर आराम से फोर व्हीलर खड़ा हो सकता है, उसके बावजूद भी आगे जगह बचेगी। आप देख सकते हैं सामने की तरफ फ्रंट साइड में ये रूम है, जिसके सामने आगे की तरफ बालकनी दिया हुआ है। और इसी के साथ में अगर हम आगे चलते हैं तो ये पोर्च एरिया है, और यहाँ पर ये पानी का टैंक है, जो कि 5000 लीटर कैपेसिटी का है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर बॉक्स लगेगा। और इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये है बाहर से जीना है इसका, और स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है। और इसी से जैसे हमने एंटर किया तो मेन एंटर ये है हॉल, आप देख सकते हैं ये डोर की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। और इसी से हमने जैसे ही अंदर एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये डाइनिंग हॉल, ये रॉयल कलर में डिजाइन है एक हॉल में, और ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग डिजाइन है, बेहतरीन शानदार डिजाइन है। वहीं पे अगर मैं बात करूं टाइल्स की, जो विट्रीफाइड टाइल्स है, और 14 का ये होल साइज है। यहां पर ये वॉश बेसिन लगेगा, जो कि अभी लगा करके आपको जब देंगे। वहीं पे आप देख सकते हैं ये ईस्ट फेसिंग मकान है, और इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग ये किचन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सब लगा हुआ है, या आप देख सकते हैं ट्रॉली वगैरह सारे लगे हुए हैं, और यहाँ ऊपर बॉक्स दिए हुए हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो है, और एग्जॉस्ट फैन के लिए दिया हुआ है, चिमनी के लिए स्पेस दिया हुआ है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये गीजर और आरओ के पॉइंट दिए हुए हैं। हॉल में यहाँ पर एक ओपन टॉयलेट है, काफी स्पेसियस टॉयलेट है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है, और गीजर वगैरह के पॉइंट दिए हुए हैं। अभी हम हैं मास्टर बेडरूम में, आप देख सकते हैं ये है मास्टर बेडरूम, 10x12 साइज का है, और रॉयल प्ले में डिजाइन है एक हॉल पे, ऊपर फॉल सीलिंग की हुई है, एसी फिटिंग है, और अटैच टू गैलरी। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, और सिक्योरिटी पर्पज पीछे जाल दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है वार्डरोब, फुल वार्डरोब दिया हुआ है, पूरा वार्डरोब दिया हुआ है, बहुत ही शानदार गोदरेज की अलमारी है। ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी हम चल रहे हैं वापस। मैं हॉल में एंटर कर चुका हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये हॉल है जो कि बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं ये एल शेप में है, आप यहाँ पर सोफा वगैरह सिटिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हो, तो बेहतरीन है, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये मकान बनाया हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड का बेडरूम, ये आप देख सकते हैं ये है फ्रंट साइड बेडरूम, 10x11 साइज है इसकी, और फॉल सीलिंग की हुई है, रॉयल प्ले में डिजाइन है, और ये आप देख सकते हैं फ्रंट में ये कूलर के लिए विंडो दी हुई है। और इसी के सामने अगर हम फ्रंट साइड से एंट्री भी है इसकी, जैसे हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं काफी स्पेस है। ये नीचे का पूरा 2 बेडरूम सेट था, और इसी के साथ अभी हम चल रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर 2 रूम सेट है, टोटल 4 BHK
के मकान है ये, जो कि दो अलग अलग सेपरेट पोर्शन के हिसाब से है। या तो आप रेंट दे सकते हैं, रेंटल इनकम कर सकते हैं, या फिर अगर आप परिवार में दो भाई हैं तो अलग अलग रह सकते हैं। उस तरीके से ये बनाया हुआ है। तो अभी तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और ये जो मकान आपने देखा ये 100 वर्ग गज का था, जिसकी साइज 15x60 है, 4 BHK है, ये 90 अप्रूव्ड है। और ये कालवा रोड के ऊपर अंसल सुशांत सिंह की सेकंड के अंदर है। ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, 90% लोनेबल है और 4 BHK मकान है ये। तो इसकी अगर रेट की बात करूं मैं तो रेट इसकी है 35 लाख। जी हाँ दोस्तों, मात्र 35 लाख रुपए में 4 BHK लोनेबल 90% लोनेबल मकान है। और अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं मैं तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से डिस्टेंस देखें तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा इसका। वही अगर मैं 200 फीट बाईपास से देखूं इसका डिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। वही अगर मैं कालवा रोड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली कालवा रोड से 600 मीटर अंदर है। तो दोस्तों मात्र 35 लाख रुपए में ये मकान है। अभी मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट फ्लोर। वेंटिलेशन के लिए फ्री फ्रेम दिया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि 4 BHK मकान है, जो हमने नीचे जो पोर्शन देखा था सेम पोर्शन ऊपर है। जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये है डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये है रॉयल प्ले में डिजाइन और फॉल सीलिंग दी हुई है। और ये एल शेप में हॉल है, विट्रीफाइड टाइल्स है, 2x4 की टाइल्स है। और साथ ही इसकी जो साइज है वो है 12x14 साइज है इसकी। और ईस्ट फेसिंग मकान है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन होगा और साथ ही ये आप देख सकते हैं टॉयलेट है, जो इंडियन टॉयलेट है और कॉमन टॉयलेट है। ये आप देख सकते हैं इंडियन टॉयलेट है और इसमें वॉश बेसिन भी लगेगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि सैनिटरी किचन होगी और RO है। ये आप देख सकते हैं किचन है, मॉड्यूलर किचन है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ बॉक्सेस लगे हुए हैं और वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं पीछे डक छोटा हुआ है, जिसमें यहाँ की विंडो दी हुई है। साथ ही यहाँ पर चिमनी का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए पाइप दिया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं RO एंड गीजर के पॉइंट के लिए यहाँ दिए हुए सैनिटरी अभी बाकी है इसमें। अभी आप देख सकते हैं यह है मास्टर बेडरूम। जैसे ही हमने मास्टर बेडरूम में एंटर किया आप देख सकते हैं 10x12 साइज है इसकी। और ये आप देख सकते हैं रॉयल प्ले में डिजाइन है, फॉल सीलिंग है। और ये इधर आप अगर देखें तो ये AC फिटिंग है। और साथ ही अगर यहाँ देखें तो वार्डरोब है, जो कि गोदरेज की हुई अलमारी की हुई है। वहीं पे आप देख सकते हैं ये विंडो है, विंडो के साथ में यहाँ पर कूलर पॉइंट भी दिया हुआ है। और वेंटिलेशन के लिए ये आप देख सकते हैं डक छोटा हुआ है, जिसके अंदर आप खुली वेंटिलेशन पूरी रोशनी मिलती है और सिक्योरिटी पर्पज ये जाल दिया हुआ है। वापस और अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट साइड का बेडरूम। ये आप देख सकते हैं रॉयल प्ले में डिजाइन है, फॉल सीलिंग है, प्रीमियम कलर है, विट्रीफाइड टाइल्स है। और ये आप देख सकते हैं कूलर पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कूलर की विंडो दी हुई है। और अटैच टू ये है बेल्कनी, देख सकते हैं ये है बेल्कनी। बेल्कनी में आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है और मिरर वर्क किया हुआ है, जो इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। यही देख सकते हैं आप ऊपर बेल्कनी में वुडन कलर किया हुआ है। देखें तो आप में एक यूनिक डिजाइन है, जो कि बेहतरीन बाहर से बहुत ही इसकी जो है उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाता है। वहीं पे अगर हम बेल्कनी की बात करें तो तकरीबन ये बेल्कनी है, जो कि बहुत ही बढ़िया शानदार बालकनी है। वहीं सामने की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पूरे मकान बने हुए हैं और 40 फीट रोड है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा छत के ऊपर चलते हैं और वहां से ओवर भी दिखाता हूं। आप देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं रूफ टॉप पे, चुके हैं छत के ऊपर। और छत से आप देख रहे हैं पीछे का अगर एरिया देख सकते हैं बैक साइड का, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सारे मकान बने हुए हैं, सारे मकान बने हुए हैं। और अगर इस साइड देखें तो यहाँ पर मेन कालवा रोड की तरफ होगा ये। वहीं पे अगर हम इस साइड फ्रंट साइड है ये, जो कि हाथोज गांव की तरफ है ये। तो ये था 4 BHK मकान, जो कि मात्र 35 लाख रुपए में 90B अप्रूव्ड है। तो अगर आपको पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में या आपके दोस्त या रिश्तेदार किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो आप चैनल को जरूर जरूर उन्हें लिंक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।